हाय मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही पुरजोर, शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही है ना बेटा, तो इस न्यूज को देखने के बाद आपकी तैयारी जो है रॉकेट की तरह स्पीड में चलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका 15 February से एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अगर कोई बच्चे इस गुमान में बैठे होंगे कि भगवान कैंसिल हो जाए, कुछ नहीं होने वाला बेटा, है ना। तो 15 February से आपका एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप सीबीएसई पे जाएंगे, सीबीएसई की मेन वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ठीक है, ये क्यों नहीं ओपन हो रही, हो गई। तो मेन वेबसाइट पे आप ओपन करेंगे। मेन वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे, ऐसा आजकल एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन इतने ज्यादा है कि लोग हैक भी कर लेते हैं, मतलब वेबसाइट तो हैक नहीं करेंगे फिर भी भारी हो जाती है। आप देखिए, ओपनिंग ऑफ द लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सर्कुलर जो है ये सीबीएसई ने जारी किया है। चलो इस सर्कुलर को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए, सीबीएसई के हेड ने भैया आपके स्कूल को एक लेटर लिख के भेजा है। यू आर अवेयर दैट द क्लास 12th एंड 10th एग्जामिनेशन विल बी कमेंसिंग इन बिटवीन क्या, इन 15/02/2023 द स्कूल विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। सो प्यारे बच्चों, अगर आप इस गुमान में बैठे हैं कि हम खुद डाउनलोड करके निकाल लेंगे, तो नहीं होगा। आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपके स्कूल से मिलेगा, स्कूल वाले के पास ही ऑथराइजेशन है कि वो उसे डाउनलोड कर सकता है। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप अभी चाहे, आज ही चाहे या कल चाहे, आपका वैसे आपका स्कूल का ग्रुप होगा या आपके प्रिंसिपल्स जो होंगे वो आपको फोन करके बता देंगे कि आइए आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप ले लीजिए। पर याद रखिएगा कि एडमिट कार्ड में ये फॉलोइंग जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आपका रोल नंबर ठीक ठाक होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट का नाम, उनकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर, कैटेगरी आप जनरल एसटीएससी पीडब्ल्यूडी किसके हैं, एडमिट कार्ड आईडी, ठीक है, और जिस जो सब्जेक्ट का टाइम टेबल लिखा होगा एडमिट कार्ड, तो सही देख लीजिएगा डेट सही है या नहीं है। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखिए, यहां पर देखो इसके नीचे लिखा होगा कि भैया आपको 10 जो है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10 AM, ये सब नॉर्मल सी जानकारी है। बस आपको याद क्या रखना है कि जब आपको स्कूल वाले एडमिट कार्ड दें तो ये जानकारी सही साठ होनी चाहिए। अगर इसमें कोई गलती है तो सीबीएसई एक दूसरा विंडो भी ओपन करेगा जिसमें आप अपने एडमिट कार्ड को करेक्ट करवा सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, लेट मत करिए, जितना लेट करेंगे पैनिक ज्यादा बढ़ेगा। और रही बात तैयारी की, तो रही बात बायोलॉजी की, बायोलॉजी हम लोग ऑलरेडी बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। आज शाम को पूरा ऑब्जेक्टिव का मैराथन मैम कराने वाली है, तो शाम को 8 बजे आ जाना, रात को 8 बजे आ जाना, बढ़िया 2-3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ये था सीबीएसई का नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, एग्जामिनेशन 15 February से शुरू हो जाएंगे। बच्चों, गेट रेडी फॉर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।